रूस यूक्रेन का युद्ध लगातार जारी है, ऐसे में कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। क्या रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर परमाणु हमले की प्लानिंग तैयार कर ली है? इसके साथ ही सवाल ये भी है कि क्या यूक्रेन के शहरों का हाल भी हिरोशिमा और नागासाकी जैसा होने वाला है? और सवाल ये कि क्या पुतिन यूक्रेन के छोटे शहरों पर परमाणु हमले की पूरी तैयारी कर चुके हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पुतिन ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ फोन पर हुई बातचीत में उस प्लान का जिक्र कर दिया है जिस प्लान के अंजाम तक पहुंचने का मकसद भयानक तबाही हो सकता है। यूक्रेन पर हमले का परमाणु प्लान तैयार। पुतिन के निशाने पर यूक्रेन के छोटे शहर। यूक्रेन से जंग जीतने की खतरनाक साजिश। यूक्रेन के साथ पुतिन की जंग लगातार खींचती जा रही है, जिस जंग के चंद दिनों में खत्म होने की कयास लगाई जा रही थी वो पुतिन के लिए इतनी बड़ी हो चुकी है कि इसे जीतने के लिए पुतिन अब सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार है। और अब खबर आ रही है कि पुतिन ने यूक्रेन को घुटनों के बल लाने के लिए ऐसा परमाणु प्लान तैयार किया है जो यूक्रेन में भयंकर तबाही मचा सकता है। ये खबर इसलिए भी डराने वाली है क्योंकि पुतिन ने अपने इरादों का जिक्र फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ फोन पर हुई बातचीत के दौरान किया है। जानकारी के मुताबिक पुतिन ने इमैनुअल मैक्रों से हुई बातचीत में इस बात का साफ जिक्र किया है कि यूक्रेन को सबक सिखाने के लिए परमाणु बम का इस्तेमाल किया जा सकता है। पुतिन ने मैक्रों को दूसरे विश्व युद्ध में परमाणु हमले के बाद हिरोशिमा और नागासाकी में हुई तबाही की याद दिलाई। यही वजह है कि पुतिन के इस बयान के बाद पश्चिमी देशों समेत पूरे यूरोप में हड़कंप मच गया है। फ्रांस के राष्ट्रपति से हुई बातचीत के दौरान पुतिन ने यह भी कहा कि परमाणु बम विस्फोट की वजह से दूसरे विश्व युद्ध का अंत हुआ। इसने ये दिखाया कि आपको जीतने के लिए मुख्य शहरों पर हमला करने की जरूरत नहीं है। यानी पुतिन का ये बयान साफ इशारा करता है कि अब पुतिन के परमाणु प्लान में यूक्रेन के छोटे शहर हैं, वो शहर जिन पर अब किसी भी वक्त पुतिन के एक इशारे पर परमाणु बम गिराया जा सकता है। बताया जा रहा है कि पुतिन के इस बयान की वजह से इमैनुअल मैक्रों को भी गहरा धक्का लगा है, जिसके बाद उन्होंने कहा, ये बहुत बड़ा संकेत है कि पुतिन यूक्रेन के पूर्व में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं जबकि कीव पर हमला नहीं होगा। इतिहास गवाह है कि 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में गिरे परमाणु बम ने किस कदर भयानक तबाही मचाई थी। इस भयानक हमले में लाखों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी, जबकि आज भी इसके असर को हिरोशिमा और नागासाकी में महसूस किया जाता है।